So hi everyone, welcome back to the channel. My name is Ayushi and on this channel we create a lot of videos on Delhi University, career options, courses, college reviews, my experiences, my life experiences, skills, many other confusions that students have and how to earn online. So you might consider subscribing to the channel. So आज मैं अपने कॉलेज की टी शर्ट पहन कर बैठी हूँ और ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ. सो इट फील्स लाइक क्वाइट नॉस्टैल्जिक. ओके, सो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी इस चैनल पर. एंड काफ़ी टाइम से, पिछले साल से ही लोग मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ BSc स्टैट्स ऑनर्स पर भी एक वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी BSc मैथ्स वर्सेज BSc स्टैट्स पर. सो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि अब मैं फाइनली एक्टिव हुई हूँ इस चैनल पर. बट चलो ठीक है, अच्छी बात है, फाइनली द वीडियो इज लाइव ऑन आयुषी गुप्ता लाइव. BSc स्टैट्स ऑनर्स यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा सा हिडन कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड नॉट मच पीपल नो अबाउट दिस कोर्स. एंड ज़्यादातर लोगों को जिनको पता भी है कि ऐसा कुछ कोर्स एग्जिस्ट करता है वो होते हैं हमारे मैथ्स के बच्चे, क्योंकि मैथ्स के बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या चूज़ करें, BSc मैथ्स करें DU से या फिर BSc स्टैट्स करें. एंड ये क्वेश्चन तो भाई ख़त्म नहीं होने वाला है कि क्या कोर्स करें, बट फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया है हेल्प करने का. एंड इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट है उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पुरानी वीडियो में. दो तीन वीडियोज़ बना चुकी हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो वो आप जाकर देख लेना. एंड इस कन्फ्यूजन को हम देखेंगे एंड में, वीडियो के लास्ट में. अभी पहले बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में और इसकी हर डिटेल जान लेते हैं. सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स के बारे में, कोर्स के एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया होता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, कौन से कॉलेजेस हैं जो कि ऑफर करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देन एक्चुअली भी कोर्स है कैसा, मुश्किल है कि ज़्यादा, वो सब भी देख लेंगे. उसके बाद क्या स्कोप है, इसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं आखिर DU में इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, एंड उसके बाद थोड़ी बहुत और भी चीज़ें देख लेंगे. तो एंड तक प्लीज़ देखना वीडियो को. लेट्स स्टार्ट. नंबर वन, बेसिक कोर्स डिटेल्स. तो ये एक साइंस की डिग्री है, 3 साल का कोर्स है एंड वही डिग्री कोर्स है, प्रॉपर डिग्री मानी जाती है 3 साल की और साइंस स्ट्रीम में काउंट होती है क्योंकि ये बैचलर्स ऑफ साइंस है, ठीक है. और उसके अलावा ये एक एकेडमिक डिग्री है, तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, ये जान लेना. नाउ पॉइंट नंबर टू इज एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए. जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं UG के लिए एंड मैंने अपनी पिछली वीडियो में आई गेस बताया भी था कि अगर आपको मैथ्स ऑनर्स चाहिए या फिर ऐसे कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, अगर आप PCM की स्ट्रीम से हो उस केस में ना प्लीज़ स्टैट्स को भी टिक कर देना एंड स्टैट्स को छोड़ना मत, क्योंकि पता नहीं ना कभी आपका क्या चेंज हो सकता है. तो जहाँ तक बात है कि कौन कौन एलिजिबल है, तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए 12th में. सो बेसिकली मैथ्स यहाँ पर कंपलसरी है क्लास 12th में. वही है सेम कि आपने बस पास कर रखी हो विद मिनिमम परसेंटेज, और मिनिमम क्या अच्छी कट ऑफ चाहिए होती है. स्टैट्स ऑनर्स ए वेल रिप्यूटेड कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंड इसकी कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई जाती हैं एंड मैथ्स से भी ज़्यादा जाती हैं. और मैं आगे भी अपनी स्टोरी शेयर करूंगी इसी चैनल पर कि आखिर मैंने स्टैट्स ऑनर्स क्यों नहीं करी, मैंने मैथ्स ऑनर्स क्यों करी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. सो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, यानी कि हमें एडमिशन कैसे मिलेगा इस कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में. सो वही सेम चीज़ है, मेरिट. इस साल तो मेरिट पे ही हो रहा है ये कोर्स, अगली बार का देखते हैं. 2021 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. तो मेरिट बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा, आपकी यहाँ पर कट ऑफ निकाली जाएंगी एंड बस मैच करो कट ऑफ और जाके एडमिशन करवा लो अपने अपने कॉलेजेस में जो भी आपको मिल जाए, ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 4 है, जो कि है कि कौन से कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर ऑफर कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को. अब क्योंकि ये थोड़ा सा अनपॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इस केस में सारे कॉलेजेस DU के ये कोर्स नहीं देते हैं, कुछ थोड़े बहुत ही देते हैं. उसकी बात अभी हम करते हैं, लिस्ट बताती हूँ कि कौन से देते हैं जितने मुझे मिले हैं, ठीक है. तो हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, देन श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज वेंकी, रामजस कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, माता सुंदरी, देन PGDAV, रामलाल आनंद एंड शहीद राजगुरु. सो यही कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपको स्टैट्स ऑनर्स देते हैं. तो प्लीज़ जाओ और इनकी कट ऑफ चेक करते रहना, जब भी कट ऑफ निकलेगी उसके लिए इस चैनल पे मैं बता दूंगी जब भी कट ऑफ निकलेगी, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि है हमारे कि हाउ इज़ द कोर्स, आखिर ये कोर्स कैसा है.
अब देखो मैंने ये कोर्स नहीं किया है, मैंने की है मैथ्स ऑनर्स, बट ये ना मैंने थोड़ी बहुत बात करी है एक स्टैट्स ऑनर्स वाले पर्सन से, तो उसी से मुझे ये इनसाइट्स मिली हैं कि जितना प्रैक्टिकल लगता है ना ये कोर्स सुनने में, उतना ही थियोरिटिकल है एंड काफ़ी सारी आपको यहाँ पर थ्योरी मिल जाएगी। ऑफकोर्स थ्योरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो जैसा कि मुझे पता चला थ्योरी में आपको वही है कि अंदर तक पढ़ाएंगे सब कुछ स्टैट्स का, एंड ये सिर्फ मीन मीडियन मोड नहीं होने वाला है, वो तो बिल्कुल मत समझना। और प्रैक्टिकल्स में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आर होती है, एस पी एस एस होती है, C++ होती है, ये तीनों बैंकिंग में तो पढ़ाई थी। एंड इसके अलावा क्योंकि मैंने GE में स्टैट्स पढ़ी हुई है, तो अगर आप GE में यानी कि जनरल इलेक्टिव में स्टैटिस्टिक्स लेते हो अपने किसी और भी कोर्स के साथ, तो उस केस में ये मैनेजेबल है, ये मैं आपको वर्ड दे सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं स्टैट्स के साथ। और जितना GE का सिलेबस होता है वो मैनेजेबल होता है एंड काफ़ी ईजी होता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि कुछ पोर्शंस होते हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना होता है, तो इस केस में कुछ पोर्शंस ही पढ़ने होते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड काफ़ी सारे लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, ज़्यादा काफ़ी हो गया ना। सो मेरा सजेशन यहाँ पर ये रहेगा कि आप एक बार जाकर इसका कोर्स स्ट्रक्चर देख लो, यानी कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ने वाले हो, वो सारी चीज़ें देख लो। और वो आपको कहाँ मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर गूगल सर्च पर भी आपको मिल जाएगा कि क्या कोर्स स्ट्रक्चर है। और अगर आपको मैथ्स का जानना है, बाय द वे, तो मैं पूरी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ उस पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने मैथ्स का तो बता रखा है कि क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स है, और पूरे डिटेल इनसाइट्स दी हुई हैं क्योंकि मैंने वो कोर्स किया हुआ है। और जब हम किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस सुनते हैं तो वो एक थोड़ा अलग ही लेवल तक हमें हिट करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट हियर, व्हिच इज द स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कोर्स को परस्यू करने से पहले, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, आई नो दैट, एंड वही बात है। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये है कि लिटरली इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अपॉर्चुनिटीज नंबर में तो है ही ज़्यादा, बट उसके साथ साथ सारी जॉब्स, जितना भी इसके आगे स्कोप है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उसमें तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है अपने सीनियर्स को और अपने बैचमेट्स को, जो मेरे ईयर के साथ थे स्टार्स ऑनर्स के, काफ़ी अच्छा करते हुए अपनी लाइफ में। सो आई थिंक यू कैन कंसिडर। बाकी की करके हम डिस्कस तो अभी करने ही वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है इंडस्ट्री जॉब्स, या जिसको आप कहते हो कॉर्पोरेट जॉब्स। अगर आपको आगे कुछ नहीं करना है और सिर्फ स्टार्स ऑनर्स करने के बाद ही सिर्फ जॉब चाहिए, डायरेक्ट जॉब चाहिए BSc करने के बाद स्टार्स में, तो उस केस में भाई सेट हो आप, क्योंकि प्लेसमेंट जिसकी होती है ना उसकी बहुत अच्छी होती है, एंड डायरेक्टली BSc के बाद प्लेसमेंट्स होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप यहाँ पर वीडियो होगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से बताया जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स के साथ। अब जहाँ तक बात करते हैं पर्टिकुलरली स्टार्स ऑनर्स के लिए, तो इसके लिए प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं नो डाउट, और वेंकी में स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो टॉप कंपनीज में लोग प्लेस्ड होते हैं। अब ये तो चलो वेंकी की बात है क्योंकि मैं उसी का बता सकती हूँ, बाकी की मैं स्टूडेंट नहीं रही हूँ तो मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है, बट हाँ आई कैन वाउच फॉर LSR, हिंदू अंसराज इज वेल, कि वहाँ पर भी अच्छी प्लेसमेंट्स होती होंगी। एंड ऐसा तो कुछ नहीं है कि सब प्लेस्ड हो जाते हैं, बट हाँ जो होते हैं वो अच्छी जगह ही होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वेंकी में तो मैंने यही देखा था, बाकी आई कैन नॉट वाउच फॉर अदर कॉलेजेस, तो आप वो देख लेना। इसके अलावा प्लेसमेंट्स में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, तो अभी सेकंड करियर ऑप्शन जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सेकंड करियर ऑप्शन हमारा है एक्चुअरियल साइंस। अब ये एक प्रॉपर डिग्री नहीं है या फिर एक प्रॉपर करियर ऑप्शन नहीं है एज इन, बट इसको आप अपनी डिग्री के साथ साथ भी कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बैचलर्स ऑफ साइंस कर रहे होते हैं मैथ्स में या फिर स्टैट्स में भी, वो साथ साथ में एक्चुअरियल साइंस कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ये डिग्री नहीं है, यहाँ पर हमें करने होते हैं पेपर्स क्लियर, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें रजिस्टर करना होता है और उसके बाद बस पेपर्स क्लियर करते जाओ। तो आप अपनी बैचलर्स के साथ कर सकते हो, बैचलर्स खत्म होने के बाद कर सकते हो एंड उसके बाद भी कर सकते हो, एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एंड एक्चुअरियल साइंस करने की वजह से भी स्टार्स वाले बच्चों की जॉब लग रही होती है, कैंपस प्लेसमेंट हो रही होती है। सो आई थिंक ये हो सकता है एक अच्छा रीज़न कि क्यों इतनी प्लेसमेंट होती है स्टार्स ऑनर्स की। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सबकी प्लेसमेंट ज़्यादा है, प्लीज़ डोंट माइंड माई वर्ड्स। ये होता है कि जितने भी कोर्सेज में प्लेसमेंट्स होती हैं, स्टार्स उनमें से टॉप में आता है। अब टॉप में हमारे वही आते हैं स्टार्स, इको, बीकॉम ऑनर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड करियर ऑप्शन हियर, व्हिच इज की मास्टर्स ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आप MSc कर लो। अब MSc करने के बाद एक तो आप स्टैटिस्टिशियन बन जाते हो, ठीक है, और कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में तो जॉब्स है ही हैं,
हर जगह स्टैटिस्टिशियन की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि आजकल डेटा इतना बढ़ गया है तो उस डेटा को कौन एनालाइज करेगा, स्टैट्स वाले तो करेंगे ना। तो इस केस में वहाँ तो है ही, उसके अलावा आपके पास टीचिंग में भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। आप स्कूल में नहीं कर सकते टीचिंग, बट कोई नहीं, आप कॉलेज में कर सकते हो, तो उसके लिए वही है सीन, PhD करनी पड़ती है। बट या जॉब्स हैं कॉलेजेस में इन केस ऑफ स्टैट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड करियर ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ करियर ऑप्शन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। एंड बात ये है कि बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी बाकी लोगों के लिए खुली हुई हैं, स्पेसिफिकली मैथ्स वालों के लिए भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ये जो मैं बताने वाली हूँ ये सिर्फ स्टैट्स के लिए है, जो कि है हमारी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब ऑफ बीइंग एन ISS, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। या उसमें भी आप उसके लिए भी जा सकते हो, और सिर्फ यहाँ पर स्टैट्स ऑनर्स वाले ही एलिजिबल होते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, या फिर इस पेपर को देने के लिए। मतलब आप पेपर तो दोगे, चलो वही वाला UPSC के लिए आप मतलब दोगे पेपर, लेकिन उस केस में ISS का जो पूरा पार्ट होता है खाली वो स्टैट्स ऑनर्स वाले ही एलिजिबल होते हैं उसके लिए। आई होप कि मैंने कंफ्यूज ना किया हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ करियर ऑप्शन है, व्हिच इज एन MBA। ओके, सारे कंफ्यूज लोग क्या करते हैं, MBA करते हैं, तो आप भी कर सकते हो, स्टार्स वाले भी MBA कर सकते हैं, एंड काफ़ी स्कोप है MBA के बाद, काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब्स हैं, पैकेजेस इतने अच्छे हैं MBA के बाद। एंड स्टार्स ऑनर्स में आप इतने अच्छे से पढ़ना सीख जाते हो ना, क्योंकि काफ़ी आई थिंक थोड़ा हेक्टिक होता है, उस केस में फिर आप MBA के लिए एंट्रेंस के प्रिपरेशन में भी अच्छा दे सकते हो, ऐसा आई थिंक। चलो फाइनली बात कर लेते हैं अपने सेवेंथ पॉइंट की, जो कि है प्लेसमेंट्स, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं स्टार्स ऑनर्स की, तो मैं वाउच कर सकती हूँ कुछ कॉलेजेस के लिए जहाँ पर आपको प्लेसमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि है हमारा लेडी श्रीराम कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, हिंदू और हंसराज, ठीक है। तो इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स होती हैं, बाकी इन जनरल आई थिंक कि स्टार्स के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और वही दिल्ली यूनिवर्सिटी 100% प्लेसमेंट्स ऑफर नहीं करता है, बट अगर आप टॉप में आ सकते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, तो आपकी हो सकती है, जॉब लग सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर प्रोफाइल्स की, तो यहाँ पर आपको डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, या फिर कोई भी एनालिटिक्स की जॉब, या फिर अगर आपने एक्चुअरियल कर रखा होगा, या फिर आप कर रहे होगे, तो उस केस में एक्चुअरियल की भी काफ़ी प्रोफाइल्स आ रही होती हैं। सो बस, तो ये प्रोफाइल्स होती हैं। अब क्योंकि डेटा बढ़ रहा है तो हमें स्टैटिस्टिशियंस की ज़रूरत है, जो कि एक्चुअली इन्फर करें डेटा को और सब कुछ करें उस डेटा पर, और बस एक्चुअरियल की प्रोफाइल्स भी आती हैं और डेटा एनालिस्ट के लिए भी प्रोफाइल्स आती हैं। अब कुछ कंपनीज में बताना चाहूँगी जो कि आई थिंक बैंकिंग में तो विजिट करती हैं, बाकी जगह भी करती होंगी, और टॉप कंपनीज हैं और ये स्टार्स वालों को भी उठाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपनीज हैं स्मार्ट क्यूब, इंडिगो, DE शॉ, ZS एसोसिएट्स एंड PwC। तो ये कुछ कंपनीज हैं, इसके अलावा और भी हैं, बट मैंने थोड़ा सा एक आपको हिंट दे दिया, थोड़ा सा एक हाईलाइट दे दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियोस, एंड डिटेल में मैं हर करियर ऑप्शन पर भी जा रही होंगी, तो उसके लिए आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें करनी है। पहला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन होता है ना उसको प्लीज़ प्रेस कर दो, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए जैसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ, या फिर अगर मैं लाइव भी जाऊँ तो भी। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दो, ये बताने के लिए कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, अब मुझे जितना पता होगा मैं उतना बताने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड उसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर कर दो तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। एंड लास्ट थिंग है कि इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, इंस्टा पे भी काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है। मैं प्रॉपर नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन कि आखिर मैथ्स ऑनर्स करना चाहिए या फिर स्टैट्स ऑनर्स करना चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि कन्फ्यूज होंगे, एंड जेन्युइन है कन्फ्यूज होना भी। बट इस केस में पहली हेल्प जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि मैंने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन बताई है, एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं जिस पर आप डिसाइड कर सकते हो एक्चुअली कि आपको कौन से कोर्स के लिए जाना है। तीनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि कौन से वो वीडियोज़ हैं, तो आप प्लीज़ जाकर उनको भी देख लेना एक बारी। एंड उसके अलावा आई थिंक कि आपका ही कॉल है, इट्स योर कॉल ओनली कि आपको क्या करना है। और स्टार्स ऑनर्स की कट ऑफ जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा जाती है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स ऑनर्स, तो वो भी एक पॉइंट है। अगर आपको स्टार्स ऑनर्स मिले ही ना तो मैथ्स ऑनर्स करनी पड़ेगी ना, तो वो भी एक सीन होता है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो बस इतना ही था आज के वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ और अपना प्रमोशन करती हूँ कि फटाफट से जाओ और चैनल पर ना जितनी भी प्लेलिस्ट हैं एक बार जाके ना बस खोल खोल के नज़र मार लो, कोई वीडियो तो मिल जाएगी जो आपके मतलब की होगी। क्योंकि अगर आपने ये चैनल अभी डिस्कवर किया है तो आई एम डैम श्योर कि आपने वीडियोस मिस की होंगी,
एंड बस वही सजेशन है कि आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप वही जाके कमेंट में लिखोगे कि दी प्लीज इस पर वीडियो बना दो, एंड मैं पुरानी वीडियो का लिंक वहाँ पर डाल रही होंगी, सो इट्स बेटर कि आप जाके देख लो। एंड बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी बाय।